नमस्कार दोस्तों, और लेट पर आप सभी दोस्तों, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का, आपकी लाइफ का अभी तक का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है, सबसे बहुत बड़ी खुशखबरी वाली वीडियो। इस वीडियो में हम सीधा का सीधा सबूत बताने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को मिस कर दिए, आप दुनिया में कहीं भी नहीं समझ पाएंगे जो आपको मॉनिटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको जिंदा सबूत दिखाने वाले, जिंदा सबूत। और आज यदि ये वीडियो देखने के बाद आपके चेहरे पर खुशी नहीं हुआ, तो आज के बाद से वीडियो बनाना बंद, सारा चीज बंद, सारा चीज बंद। ठीक है, हम आपको हमेशा से बताते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सभी लोग हैं जो हमारा दिल है कि मानता नहीं। ठीक है, वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। यदि वीडियो को देखने के बाद शेयर नहीं करेंगे तो फिर हम तो भी वीडियो बनाना बंद कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख लेते हो, बहुत सारे यूट्यूबर लोग वीडियो देख लेते हैं और निकल जाते हैं चुपके चुपके, वीडियो लाइक भी नहीं करते। हमारा लोन आपके ऊपर चढ़ जाता है, यदि वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो वो लोन तो चुकाना पड़ेगा ना आपको, चाहे आज हो या चाहे कभी भी हो। इसलिए वीडियो को लाइक कर लो वीडियो को पूरा देखने के बाद। और इस वीडियो में हम पूरा का पूरा सबूत बताने वाले हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, भारत सरकार का, आरबीआई का जिंदा सबूत। यदि मॉरेटोरियम नहीं मिले ना तो फिर मुझे बता देना, क्योंकि जब सरकार बोली, आरबीआई बोला, सबूत हम आपको बता रहे हैं। और आपसे लोग मानसिक परेशानी क्यों ले रहे हैं, क्यों हम सभी लोग मन में ऐसा ठान रखे हैं, निगेटिविटी हम लोग डाल रखे हैं, आप सभी लोग डाल रखे हैं निगेटिविटी, जो नहीं यार मॉरेटोरियम नहीं मिलेगा, अब क्या करें। समझ के बात को, चिंता मत कीजिए, अभी अभी हम बात करेंगे आपको सबूत के साथ साथ। देखिए, आप सभी लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट है, वो बात करेंगे, उधर ओपन कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, यदि आप हमारे चैनल अर्ली वोट पर, आपका अपना प्यारा चैनल अर्ली वोट पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके छू मंत्र यहाँ सर यहाँ आ जाइएगा, और यहाँ पर आने के बाद आप लोग ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिए, कुछ भी पूछना हो कमेंट कर लीजिए। हमारे चैनल पर आने के बाद, आपका अपना चैनल पर आने के बाद, ज़िंदगी में कभी भी दुखी होने का नाम ही नहीं ले सकते यार। आप हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा मंगलमय रहेंगे, आपकी सारी दुख परेशानी सब समस्या का समाधान। उम्मीद करते हैं जो आप, आपका फैमिली, सभी लोग स्वस्थ होंगे, हमेशा खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। इस दुनिया में देखते देख रहे कितने सारे निगेटिविटी है, उसके बावजूद भी हम आपको पॉजिटिव रखने की कोशिश करते। देखिए, सबसे पहले देखेंगे भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री, ध्यान से देखा, इस वीडियो को आपसे हाथ पैर जोड़कर निवेदन है, देख लीजिएगा और पॉजिटिव होने हमेशा जिंदगी भर रही है। और सबूत दिखाएंगे जो आपको 100% मॉरेटोरियम मिलेगा, कैसे मिलेगा इस वीडियो को देखें। इसके बाद कोई मत पूछेगा जो सर मिलेगा, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, आपको हम बताते बताते थक गए हैं, लाखों बार, हजारों बार, करोड़ों बार। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, वित्त मंत्रालय ने बोला जो मॉरेटोरियम सबको मिलेगा, आरबीआई ने बोला मॉरेटोरियम सबको मिलेगा। ठीक है, और सबको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सिचुएशन इस बार बहुत ज्यादा गंभीर है। अब हम सबूत दिखाने वाले, साथ ही साथ जितने भी बैंक है सभी ने बोला, जितने भी एनबीएफसी है सभी ने बोला मॉरेटोरियम हम देंगे, सभी ने बोला जिसको मॉरेटोरियम चाहिए मॉरेटोरियम ले लो, जिसको रीस्ट्रक्चरिंग चाहिए रीस्ट्रक्चरिंग ले लो, भैया कैसे ले लो। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में और सबूत दिखाएंगे, नहीं देखेंगे फिर पछताएंगे, फिर अब पछतावत का हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, फसल बर्बाद तो फसल अब कहां से होगा, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, अब बात करेंगे दोस्तों, यहां पर हम मॉरेटोरियम 3.0, रीस्ट्रक्चरिंग 2.0 का पूरी की पूरी हम हिस्ट्री अभी खोलने जा रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को अभी भी और बीच में कहीं भी छोड़ के गए, वीडियो फिर जिंदगी में कभी ना समझ पाएंगे, ना कहीं भी देखोगे, दुनिया में कहीं भी देखोगे, चाहे पृथ्वी पर, अर्थ पर देखो, मार्स पर देखो, और दूसरे कहीं भी ग्रह पर देखो, कहीं नहीं आप समझ पाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हम सबूत दिखाने जा रहे हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट को आपको ओपन करेंगे, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी हम लोग दे देंगे, तो उसको ओपन करना है। अब कहोगे हम आपको सीधा का सीधा सबूत पर लेकर चलेंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट है और उसको ओपन कीजिए, सबसे पहले ही आपको वेबसाइट दिखेगी। कैसे दिखेगी, सबसे पहले देखिए, अभी यदि आप बीच में हिलडुल किए तो फिर बाद में मत बोलिए, क्योंकि आपको मालूम है अर्लोड बिना सबूत का कोई बात नहीं करता। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए यहां पर ऑल, यहां पर लिखा मिलेगा ऑल बैंक एनबीएफसी लोन ऐप लोन मॉरेटोरियम 3.0 रीस्ट्रक्चरिंग 2.0 अप्लाई करने का जो लिंक है यहां पर मिलेगा, इसी लिंक पर आपको कर देना है क्लिक। इसका जरूरत अभी पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तो आपका काम ही नहीं होने वाला है, इसी वेबसाइट के बिना। ठीक है, तो किसी भी बैंक एनबीएफसी का है तो आप यहां पर इसको ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद आप इसको खोल के रखिए, अभी हम वहां पर आएंगे फिर बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री का बात करेंगे, और साथ ही साथ आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया, और सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट हियरिंग कब है, नेक्स्ट हियरिंग है दोस्तों 11 जून 2021 को विशाल तिवारी साहब ने डाला हुआ है। ठीक है, अब जो है विशाल तिवारी जी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री आरबीआई सुप्रीम कोर्ट ने कहा फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई के पास जाइए, और फिर हमारे पास आइए 11 जून को। ठीक है, अब बात करते हैं जो इस बीच में क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है। इसके बाद घटनाक्रम दोस्तों ये सब ये हुआ जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आप लोगों को मालूम है 19 ध्यान से सुनना 19 मई 2021 को
आरबीआई के का जो गवर्नर साहब है उनकी मीटिंग हुई पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ में। फिर जो है 25 मई 2021 को मीटिंग हुई प्राइवेट सेक्टर बैंकों के साथ में। अब 19 मई को जो मीटिंग हुई थी गवर्नमेंट, बीच में छोड़ के मत जाना क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा अभी, और हम अभी आगे बात करेंगे, सबूत दिखाएंगे, नहीं सबूत दिखाएंगे तो फिर मुझे बताना, ठीक है। अभी यहां पर 19 मई को मीटिंग हुई। अब ये जो मीटिंग हुई थी दोस्तों, इस मीटिंग को भारत सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने ट्विटर हैंडल से रिट्वीट किया। अब वो वहां पर आएंगे, फिर अभी हम सबूत दिखाएंगे। सभी बैंक ने साफ साफ लिख दिया है जो सबको मॉनिटर मिलेगा। ये जो मीटिंग हुई थी दोस्तों, ये मीटिंग 19 मई को, देखिए यहां पर आरबीआई का ये ट्विटर हैंडल है, ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। अब यहां पर आरबीआई ने ट्वीट किया, आरबीआई गवर्नर मीट्स एमडी एंड सीईओ ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक ओवर द वीडियो कॉन, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब ये जो ट्वीट हुआ था, ट्वीट किया था, और हम लोगों ने बताया था, अब वेबसाइट आरबीआई की वेबसाइट पर चेक कर सकते। अब इस ट्वीट को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी रीट्वीट किया। भाई साहब आप पूछते हैं आप रीट्वीट क्यों किया, कहने का मतलब यह है जो मीटिंग हुई और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रीट्वीट किया, वो यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री आरबीआई जितने भी बैंक एनबीएफसी सभी स्टेक होल्डर के साथ में ये सारा चीज डिसाइड किया गया, जो सबको मॉरेटोरियम और सबको रीस्ट्रक्चरिंग मिलेगा। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, आरबीआई के पास इतने सारे पिछले साल की कंप्लेनें आई हुई हैं, जो लोग परेशान हैं, बैंक वाले एनबीएफसी वाले परेशान हैं, माफी चाहेंगे जितने भी पब्लिक हैं, आम जनता वो परेशान है, एमएसएमई वाले परेशान हैं, तो फीडबैक फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास आया और फीडबैक का ही नतीजा है जो इस बार जो है आपको मॉरेटोरियम और रीस्ट्रक्चरिंग बहुत आसानी से मिलेगा। और बैंक ने साफ साफ कह दिया कितने दिन के अंदर उसको रिप्लाई करना पड़ेगा, लोग कहां पर कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है, और कितने दिन के अंदर उसको अप्रूव करना पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री का आरबीआई और आरबीआई का गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सभी बैंक एनबीएफसी, आपको ये मालूम है ना, हमने बताया था ना पिछले वीडियो जब ये जिस दिन ये ट्वीट रिट्वीट हुआ था, हमने बताया था, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात आते हैं दोस्तों, इसका मतलब हमने समझा दिया इस ट्वीट का, अब मतलब बात आती है जो ऐसा कौन सा सबूत है जो ये साबित कर देता है जो आपको मॉरेटोरियम या रीस्ट्रक्चरिंग 100% मिलेगा। और मॉरेटोरियम हम सभी लोग चाह रहे हैं, आप सभी लोग चाह रहे हैं, और मॉरेटोरियम बैंक वाला 100% देगा। वो सबूत हम आपको अभी खोल के आपके आँखों के सामने हम दिखाने वाले हैं। यदि आप नहीं समझ पाए आज भी, तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको नहीं समझा सकता, ठीक है। और 100% यकीन मान के चलिए, जो आप अर्लीवुड पर आने के बाद नहीं समझेंगे तो दुनिया में कहीं नहीं समझ पाएंगे। इसका मतलब यह है जो अर्लीवुड जो आपको बताएगा वही आप 100% आप समझते हैं, और 100% आपको अपना प्यार देने के लिए, अर्लीवुड पर विश्वास करने के लिए, आपका भरोसा जीतने के लिए, आपका अपना भरोसा अर्लीवुड पर दिखाने के लिए आप सभी का हाथ जोड़कर तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अर्लीवुड को आप इसलिए जानते हैं क्योंकि अर्लीवुड हमेशा सबूत के साथ बात करता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो लिंक है दोस्तों, उसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद देखिए आपको मिलेगा सबसे पहले ये वाला पेज ओपन, लिस्ट ऑफ ऑल बैंक एनबीएफसी लोन मॉरेटोरियम 3.0 रीस्ट्रक्चरिंग 2.0 और आरबीआई की रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 जो रिलीज हुआ था 5/5/2021 के तहत, आरबीआई ने बोला था 2 साल का मॉरेटोरियम, 2 साल का रीस्ट्रक्चरिंग मिलेगा, ठीक है। अभी भी यहां से छोड़ के बिल्कुल मत जाना, अभी यदि छोड़ के गए तो फिर आप आगे का सबूत नहीं देख पाएंगे, पछताएंगे, फिर जिंदगी भर परेशानी रहेंगे, ठीक है, क्योंकि पैसे की परेशानी तो जिंदगी भर रहने वाली है यदि आप नहीं देखेंगे तो, ठीक है। अब यहां पर से आगे बात करेंगे, 2 साल का तो 2 ईयर्स का मॉरेटोरियम, 2 ईयर्स का रीस्ट्रक्चरिंग मिलेगा। अब आरबीआई की इस बात को कहने के बाद, फाइनेंस मिनिस्ट्री के कहने के बाद, कोई बैंक या एनबीएफसी कैसे इस चीज को मना कर सकता है, क्योंकि बैंकों का भी पैसा फंसा हुआ है, एनबीएफसी का भी पैसा फंसा हुआ है, उसको भी पैसा निकालना है, सांप को भी मारना है, लाठी भी बचाने हैं, कहने कहावत है ना, सांप भी मर जाए लाठी भी बच जाए। तो कहने का मतलब क्या है, कोई निगेटिव इसको मत लीजिएगा, ठीक है, जो हम सांप मारने की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एजुकेशन के लिए हम बता रहे हैं यहां पर, ठीक है, नहीं तो फिर कोई इधर उधर मत सोच लीजिएगा, ठीक है हमारा। चलिए आगे बात करते हैं, आखिर यहां पर जो बात है, अब देखिए यहां पर अब हम आपको सबूत दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। सबूत यह है, इतनी सारी चीज बताना पड़ता है आपको, दिखाना पड़ता है, ताकि आप जब देखेंगे तो आपकी समस्या टेंशन मुक्त हो जाएंगे, सरदर्दी आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, हम दो बैंकों, पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक और साथ ही साथ प्राइवेट बैंक में HDFC का लेंगे, साथ ही साथ जो है दोस्तों SBI का लेंगे और कैनरा बैंक का लेंगे। इन्होंने अपनी पॉलिसी साफ साफ जारी कर दी, फॉर्म भी निकाल दिया है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कैनरा बैंक का, ध्यान से देखिएगा, कैनरा बैंक का यहां से आप ये पेज जो ओपन करोगे आप, यहां पर 3 नंबर पॉइंट में आपको कैनरा बैंक का दिखेगा, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट में ये देखिए, ये कैनरा बैंक का लोन मॉरेटोरियम रीस्ट्रक्चरिंग 2.0, इस पर क्लिक करना। अभी हम सबूत दिखा रहे हैं आपको, बाद में मत बोलना, नहीं तो आप
आप हमेशा परेशान रहेंगे, और 100% भरोसे के साथ जाना, पॉजिटिविटी के साथ जाइएगा, 100% मोमेंटम आपको देगा या रीस्ट्रक्चरिंग देगा। अभी हम दिखा रहे हैं कैनरा बैंक का, इस पर क्लिक कर दीजिए आप। ये लिंक है, ये खुल गया, यहाँ पर हमने सारा चीज़ दे रखा, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ है इनका, और ये आपको मोमेंटम जो बैंक वाला देगा। लोग परेशान है यार, आप लोग इतना सोचते हो, बोलते हो सर ये रीस्ट्रक्चरिंग 2.0 है, इसमें मोमेंटम कैसे मिलेगा, बैंक वाले हमें परेशान कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। अब ये चार इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आइए, और आपको कैनरा बैंक का जो हम एक फॉर्म दिखा रहे हैं, फॉर्म नंबर 6, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है फॉर्म नंबर 6 में, पॉइंट नंबर 6 में, कैनरा बैंक ऑफर एंड एप्लीकेशन फॉर पर्सनल लोन, यहाँ दिख रहा है आपको, और यही चीज़ आपको कैनरा बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। आपको क्या करना है, इस ये जो लिंक दिया है इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए ये कैनरा बैंक का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यहाँ खुल जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको जो चीज़ दिखा रहे हैं, देखिए ये फॉर्म है पर्सनल लोन का, रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0, यहाँ क्या लिखा है, रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 लिखा है ना, यहाँ पर डाउनलोड करके पढ़िए इसको, ठीक है। जब इसको पढ़ेंगे आप, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आपको यहाँ पर भरना है आपका आपका लोन अकाउंट नंबर। अब हम आपको मॉरेटोरियम दिखाने जा रहे हैं, देखिए यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, कैनरा बैंक ने RBI की जो गाइडलाइन थी 5 मई 2021 वाला, इसी गाइडलाइन के तहत आपको यहाँ पर देखिए मॉरेटोरियम पीरियड ऑफ मोरिटोरियम पीरियड अंडर रिशेड्यूलमेंट अप टू 24 मंथ, यानी 24 महीने तक का आपको इसमें मोरिटोरियम भी मिलता है। साथ ही साथ आप अपनी EMI को रिशेड्यूल कर सकते हैं, रिकास्ट कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं 24 मंथ तक, समझ में आ गया बात आपको। और कन्वर्जन ऑफ एनी इंटरेस्ट, मैंने कल या परसों मैंने बताया था FITL के, इसको बोलते हैं फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन, ये हम फिर कभी कभी बात किसी वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी वो उसकी जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए जो मोरिटोरियम अंडर रिशेड्यूलमेंट अप टू 24 मंथ, इसका मतलब ये हुआ जो इसमें बैंक आपको साफ साफ बोल रही है जो आपको 24 महीने में से कितने महीने का मॉरेटोरियम चाहिए, 24 में आउट ऑफ 24 मंथ हाउ कितने महीने का आपको इधर मॉरेटोरियम चाहिए। तो आपको यहां लिख देना है क्या, आपको चाहिए 3 महीने का मॉरेटोरियम, तो यहां 3 मंथ लिख दीजिए। आपको चाहिए 6 मंथ का मॉरेटोरियम, 6 मंथ लिख दीजिए। आपको चाहिए 9 मंथ का, जितने भी महीने का चाहिए आप उतना महीना लिख दीजिए। कहने का मतलब यह है जब बैंक ने साफ साफ अपने फॉर्म में लिख दिया है जो आपको रिशेड्यूल कराने चाहते हैं, तो कितने टाइम के लिए रीस्ट्रक्चर कराना चाहते हैं, यहां पर ये रीस्ट्रक्चर लिख लीजिए। कितने टाइम तक मॉरेटोरियम लेना चाहते हैं आप, मॉरेटोरियम यहां पर लिख दीजिए, वो महीने लिख दीजिए, ठीक है। क्या आपका जो मॉरेटोरियम जब लेंगे, तो मॉरेटोरियम जब लेते हो तो मॉरेटोरियम पीरियड में जो इंटरेस्ट लगता है उसको क्या अलग से आप कोई लोन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी यहां पर डाल लीजिए। तो यही सब चीज है जो आपको हम समझाते समझाते थक गए, लेकिन फिर भी कुछ लोग कमेंट ऐसे आ जाते हैं जो कोई बात नहीं है, आपका दिल करता है वो कर लीजिए, लेकिन खुश रहिए हमेशा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है जब कैनरा बैंक ने यहां पर साफ साफ लिख दिया अपने फॉर्म में जो आपको मॉरेटोरियम कितने महीने तक चाहिए, लिख दीजिए यहां जितने महीने चाहिए, कहने का मतलब यह है जो 100% बैंक इस बार आपको मॉरेटोरियम जितना महीने के लिए चाहिए मॉरेटोरियम उतने महीने के लिए देगा, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 24 महीने, जितने महीने के लिए चाहिए। अब इसमें आप जब ये फॉर्म को फिल करके देंगे तो बैंक क्या करेगी, आपका जो ये एप्लीकेशन इसको इवैल्यूएट करेगी, इवैल्यूएशन करेगी, देखेगी सारा का सारा आप भरोगे ये इधर, बाद में बताएंगे किसी वीडियो में भरने के लिए, ठीक है। कहने का मतलब है ये बहुत आसान है या सिंपल है, ये सब भर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली ये प्रूफ हो जाता है जब बैंक NBFC कंपनी अपना ये फॉर्मेट तैयार करी है, फॉर्म तैयार किया हुआ है, और उसमें ये कॉलम दे रखा है हुजूर जो आपको यहाँ मॉरेटोरियम कितना महीने के लिए चाहिए वो लिखिए, या स्ट्रक्चरिंग करवाना है तो वो भी यहां पर लिखिए। तो अब बताइए अब क्या चीज बच गया, बताइए अब कुछ बचा है अब इसमें। कहने का मतलब साफ साफ है दोस्तों, जो बैंक NBFC आपको 100% मॉरेटोरियम देना चाहती है, ये हो गया कैनरा बैंक का, हमने दिखा दिया एक फॉर्म का। अब हम दिखाते हैं आपको SBI ने भी अपनी फॉर्म में दे रखा है जो आपको मॉरेटोरियम चाहिए तो मॉरेटोरियम, या रीस्ट्रक्चरिंग करवाना है तो रीस्ट्रक्चरिंग। अब आते हैं SBI की वेबसाइट पर, ये देखिए 2 नंबर में SBI का भी दिया हुआ है। SBI ने अभी फिलहाल MSME वाले के लिए जारी किया है, लेकिन फिलहाल आप लोग SBI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां चेक करते रहिएगा, हो सकता है हमें बताने में लेट सेट हो जाए तो उसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन चेक करते रहिएगा हमने। इसलिए देखिए यहां पर सबसे पहले इसका 10 लाख और से प्लस वाला और 10 लाख से माइनस वाला, 10 लाख से ऊपर का लोन अप टू 24 करोड़ 25 करोड़, इसका अब हम ओपन करते हैं, इसका पहला नंबर वाला ओपन करते हैं 10 लाख वाला। यहां पर इन्होंने भी साफ साफ दे रखा है इसमें भी, देखिए इस वाले SBI का फॉर्म में यहाँ साफ साफ इन्होंने दोस्तों देखिए दे रखा है यहाँ पर जो आपको कितना टाइम के लिए मॉरेटोरियम चाहिए, कितने टाइम के लिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए
देखो यहाँ पर देखिए, रीशेड्यूलिंग ऑफ टर्म लोन इंस्टॉलमेंट बाय एक्सटेंडिंग द रीपेमेंट पीरियड बाय 6, 12, 18, एक्सटेंडिंग रीपेमेंट पीरियड ये हो गया, और साथ ही साथ इंक्लूडिंग मोरेटोरियम पीरियड, यहाँ पर कितने टाइम के लिए चाहिए मोरेटोरियम, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, तो इसमें मोरेटोरियम पीरियड है तो ही तो बैंक ने यहाँ दे रखा है। तो कहने का मतलब यही है, कोई भी बैंक NBFC जब आपसे फॉर्म फिलअप करवाएगी, वेदर इट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो उसको 100% ये वाला ऑप्शन दे रखा है, और आपके एप्लीकेशन को इवेल्युएट करने के बाद वो जरूर आपको मोरेटोरियम ग्रांट करेगी। अब बात आती है, जो यदि आपका लोन 31 मार्च 2021 तक स्टैंडर्ड है तो 100% वो देगी। अब स्टैंडर्ड होने का मतलब क्या है, जो 31 मार्च यानी मार्च की EMI, मार्च तक आपकी EMI पूरा का पूरा क्लियर है, वो जरूर देगा, ठीक है। तो ये यकीन मान के चलिए जो मैं बात बताता हूँ दोस्तों, बिना प्रूफ का, बिना तथ्य का हम कोई बात कर ही नहीं सकते, ठीक है। और वही चीज़ देखिए यहाँ पर इन्होंने भी डाल रखा है, FITL का जिक्र इन्होंने भी किया है, ठीक है। तो ये सब बात बताएंगे फिर कभी बाद में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में हमने आपको प्रूफ कर दिया, आपको दिखा दिया सारी चीज़ आपके आंखों के सामने हमने दिखा दिया, जो आपको कोई भी बैंक NBFC आपको 100% मोरेटोरियम और रीस्ट्रक्चरिंग जो चाहिए वो देगा। RBI, फाइनेंस मिनिस्ट्री, भारत सरकार सभी ने बोल दिया बैंकों को, आप जनता परेशान है उसको बड़ी आसान शर्तों के साथ, फ्लेक्जिबल, स्मूथली, क्विकली, ठीक है, और उसको आप ये मोरेटोरियम या रीस्ट्रक्चरिंग दीजिए। दोस्तों अपने आप में अब बताइए, हम आपको इतनी सारी जानकारी ला कर देते हैं, इकट्ठा करके देते हैं, ढूंढ के देते हैं, रिसर्च करके देते हैं, बताओ कहाँ मिलता, कौन सी दुनिया में मिलता, किसी भी ग्रह पर मिल ही नहीं सकता, दुनिया का 7वां 8वां अजूबा अर्लीवुड है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो आप हमेशा खुश रहिए, और भी इसके अलावा पंजाब नेशनल ने भी जारी कर दिया है, साथ ही साथ यहाँ पर यस बैंक ने भी जारी कर दिया है, IDFC ने भी ऑनलाइन सब कुछ कर दिया है। हाँ, थोड़ा बहुत डिले वगैरह हो सकता है यार, सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड रहती है, आप समझोगे बात को जब सर्वर का थोड़ा बहुत आप लोगों को ये होगा तो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, साथ ही साथ श्री राम ट्रांसपोर्ट ने भी कर दिया है, साथ ही साथ भारत सरकार का जो एक स्कीम था ECLGS स्कीम, ठीक है, चाहे आपका मुद्रा लोन हो, बिजनेस लोन हो, कोई भी लोन हो, तो इसके साथ भी आप मोरेटोरियम ले सकते हैं अप टू 2 ईयर्स आसानी से देगा यार। इस बार ये 2020 वाला साल नहीं है, ये 2021 है हुजूर, और 2021 में सिचुएशन लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, वर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 100 बैंक भी समझते, बैंक में काम करने वाला आदमी भी इंसान है, वो भी NBFC में काम करने वाला वो भी इंसान है, भारत सरकार में सब भी जो बैठे हुए जो देख रहे हैं वो भी इंसान ही है। अब बताओ इंसान इंसान कहीं समझते हुए, तभी तो बैंक वाले ने पॉलिसी बनाई जो सबको मोरेटोरियम दिया जाए इस बार, या रीस्ट्रक्चरिंग, जिसको मोरेटोरियम चाहिए मोरेटोरियम, जिसको रीस्ट्रक्चरिंग चाहिए रीस्ट्रक्चरिंग। हाँ, ये है जो आपकी थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन है इसमें, आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, आपका सैलरी स्लिप, जो काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ तो सबूत होगा, नहीं है तो प्लेन पेपर पर एप्लीकेशन भी दे देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे अपनी, आप उसको अपनी फीलिंग बताएंगे, जरूर वो देगा यार। इतना सारा चीज़ हम बता दिया, बताओ दुनिया का एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा हमने लोन मोरेटोरियम क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, इसके बावजूद भी कोई कमेंट है तो बताओ। अब जो आप लोगों ने जो कमेंट करी थी दोस्तों, वो कमेंट का भी हम लोग लेना स्टार्ट करेंगे, और सभी बैंक NBFC का लिंक यहां पर बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा, इसलिए ये सारा चीज चेक करते रहिए दोस्तों। इस वीडियो को मैं इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और साथ ही साथ आप हमारे जितने भी चैनल है सबको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वेबसाइट जो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे रखा है उसको देखते रहिएगा, आज उसमें लगभग 15-20 बैंकों का आने वाला है, हम अभी हम लोग उधर और ऐड कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ कुछ अर्निंग वगैरह करना चाहते हैं तो हम लोगों का जो वेबसाइट है उधर या इधर ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन करने का भी ढेर सारा बेनिफिट है, ठीक है। चलिए वीडियो फिनिश होती है दोस्तों, वीडियो को शेयर वगैरह कर लीजिएगा, थैंक यू।